इस समय पूरा उत्तर भारत गर्मी से बेहाल है। भीषण गर्मी से बचने के लिए और छुट्टियों का मजा लेने के लिए इस समय पर्यटक नैनीताल जैसे ठंडे इलाकों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल इस समय पर्यटकों से पैक है। यहाँ की सुंदरता और ठंडी आबोहवा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बता दें कि सरोवर नदी नैनीताल में आजकल पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग नैनीताल घूमने आ रहे हैं। यहाँ की ठंडी हवा और शानदार वादियाँ पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं। पर्यटक यहाँ नैनी झील में बोटिंग, जू, ट्रैकिंग, शॉपिंग के अलावा उत्तराखंड के स्थानीय खानपान का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों के मुताबिक नैनीताल आने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन महंगाई की मार पर्यटकों का पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रही है। होटल में रहने की व्यवस्था बहुत महंगी है, जो पर्यटकों को थोड़ा बहुत निराश कर रही है। हालांकि पर्यटक यहाँ के नौकायन और घूमने फिरने की व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं लखनऊ से आई हूँ, अच्छा लगा है यहाँ पे। थोड़ा बस भीड़ भाड़ कंजेस्टेड एरिया है थोड़ा, और ट्रैफिक जैसे आपने, और होटल वाली प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग आ तो रहे लेकिन कहीं रुकने के लिए जैसे कि होटल की बहुत मारा मारी है पैसों के लिए। जैसे कि गरीब लोग आ जाएंगे तो उनके लिए, क्योंकि 2000 से नीचे तो कोई होटल है ही नहीं, 4000-5000 तो थोड़ा ये। और खाने पीने के लिए भी महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैगी, चाय, चाय तो 50-30 रुपये से नीचे तो, हम लोग के यहाँ लखनऊ में इतना ज़्यादा नहीं है ना, 8-10 रुपये में चाय मिल जाती है। तो नॉर्मल लोगों के लिए तो यहाँ आके फिर बजट का प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आपने झील में नौकायन किया? जी बिल्कुल। कैसा अनुभव है? ये फीलिंग तो कुछ अलग ही है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। आपका नाम? पूजा। कहाँ से आए? हम हरियाणा गुड़गांव से हैं, एंड ऑलमोस्ट 6-7 घंटे का ट्रिप था पूरा, पर वर्थ इट था पूरा। एंड पहले हम भीमताल गए थे, फिर नैनीताल आए। एंड मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट जगह है ये, जो जैसे शहरों के अंदर जो रहता है पूरा गुड़गांव के साइड में, उधर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। एंड मेरा नाम हितेश वर्मा है। वहीं पर्यटन सीजन में नैनीताल की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक व्यवस्था है। हल्द्वानी से नैनीताल के सफर में पर्यटकों को जगह जगह जाम का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से नैनीताल में पार्किंग की व्यवस्था बेहद लचर है, लिहाजा पर्यटकों का गुस्सा जायज है। पर्यटकों ने मांग उठाई है कि जब नैनीताल में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है तो पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और नैनी झील में वोटिंग के लिए अभी जितने भी वोट हैं वो अपडेट नहीं हैं, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से सभी वोट आधुनिक होनी चाहिए। सर, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एक जो सबसे अच्छी बात है यहाँ, मतलब हवा जो है ठंडी है, धूप है बट हवा ठंडी है। जो मतलब हरियाणा में जहाँ से हम आए अभी, वहाँ पे धूप होती है और लू चलती है, बहुत गर्म हवा। यहाँ पे ठंडा है और अच्छा, मतलब बोटिंग वगैरह, होटल फैसिलिटी भी अच्छी है। पार्किंग का थोड़ा सीन ये है कि काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, आगे जाके फिर पार्किंग में जाना पड़ता है। बाकी एक्सपीरियंस ये है कि आप भी, मतलब हमने जो प्लानिंग की थी वो वीकडेज की इसलिए की थी कि भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ काफ़ी भीड़ है। देख के लग रहा है कि मतलब अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। आप पहली तो बार आए थे? जी, हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे। आपका नाम? दीपिका सर। डॉक्टर शफीक है। कुछ कह रहे थे आप? मैं सबसे पहले इस गवर्नमेंट से, यहाँ के और उत्तराखंड शासन से, जो नैनीताल का प्रशासन है, मैं उससे सबसे बड़ी एक मांग बहुत समय से जो पेंडिंग है, जो बेचारे हमारे नाव कर्मी हैं उनकी जो नाव हैं वो अपडेट होनी चाहिए, मॉडिफाई होनी चाहिए। आजकल आधुनिकीकरण का वक्त है, उस हिसाब से आधुनिक नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सुरक्षा की बात आ जाती है। जब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे लेके लोग जब बोट में बैठते हैं, तो आपके पास मैंने देखा एक भी लाइफ बोट नहीं है, ना कोई मोटर बोट है, ना लाइफ गार्ड है। मैं खुद स्विमिंग करना जानता हूँ और मैंने कई लोगों को बचाया भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक जब इंसान डूब रहा होता है तो वो अपने आप को, बहुत से बहुत बहुत बड़ा अगर स्विमर है तो एक व्यक्ति को बचा सकता है, उससे ज़्यादा को नहीं बचा सकता। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ज़रूर कोई महत्वपूर्ण प्रशासन को लोकल स्तर पर ही, चाहे गवर्नमेंट का वो करें वेट, लोकल स्तर पर कोई ना कोई कदम महत्वपूर्ण ज़रूर उठाने चाहिए। गंदा रहा है नैनीताल का। एक तो हर चीज़ की महंगाई बहुत कर रखी है, गरीब आदमी के लिए नैनीताल है ही नहीं। पार्किंग में चले जाओ अलग से रूट मचा रखी है कि यहाँ खड़ी कर लो, वहाँ खड़ी कर लो, अलग कई टैक्स दे रखे हैं फालतू के। मतलब बंदा यहाँ घूमेगा क्या, कितने पैसे देगा? 320 का टिकट है, गरीब आदमी कैसे घूम लेगा बताओ। कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से। मेरठ से जी, अमित चपराना। किस तरह की दिक्कत है ट्रैफिक को लेकर? क्या है दिक्कत? ट्रैफिक में, ट्रैफिक प्लान तो सही है लेकिन पार्किंग की, ठहरने की व्यवस्था सही नहीं है।
लूट मचा रखी है लोगों ने, होटल के नाम पे 5,000-4,000 लूट मचा रखी है जी। बता दें कि भीषण गर्मी के बीच पर्यटकों को सुकून देने वाली जगह नैनीताल है, लेकिन जाम और पार्किंग ने पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे पर्यटक काफी निराश नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके नैनीताल में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन को पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।